हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरी खुशी देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं कुछ नया देखने आया हूँ। वैसे लोगों ने कॉन्सेप्ट तो काफ़ी सुना होगा ट्री हाउस, लेकिन उतना शायद बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी जैसी ट्री हाउस वाली है नहीं, ठीक है। तो आज मैं आपको एक ऐसी इन मेकिंग, मतलब अभी पूरी रेडी नहीं हुई है लेकिन ट्री हाउस रेडी हो गए, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन अभी काम चल रहा है, ये है वो प्रॉपर्टी, तो अभी कुछ काम चल रहे हैं और ये कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद हम लोग भी अपने गेस्ट यहाँ पर ला सकते हैं। तो आज प्रॉपर हम लोग इसको विजिट करने आए हुए हैं। नीचे हमारी प्रॉपर्टी हिलसाइड वैली, जिसके वीडियोस आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो अभी और आएंगे वीडियो हिलसाइड वैली के भी, क्योंकि मोस्टली जो हमारा होटल रहता है वो हिलसाइड वैली ही रहता है। तो अभी हम आपको बताएंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में। ये प्रॉपर्टी का भी कोई नामकरण अभी नहीं हुआ है, वो जल्दी होगा तो आपको शेयर करेंगे। और अभी आप देखिए, ये एक ऑथेंटिक मनाली का एक है प्लेस यहाँ पर, मतलब आपको जो पुराना जो मनाली है वो यहाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप माल रोड के साइड में जाएंगे तो आपको अलग ही मनाली देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। और ये प्रॉपर्टी है और आप पीछे देख सकते हैं, ये ट्री हाउस है, ये है ट्री हाउस। तो यहाँ पर अभी हम लोग विजिट करेंगे थोड़ा सही से अच्छे से। और पहले आपको एक बार प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, कैसी ये प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये ट्री हाउस का कॉन्सेप्ट है, लोगों ने सुना काफ़ी होगा। लेकिन अभी बहुत कम ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नीचे ये जो हैं ये कॉटेजेस हैं, ये भी कॉटेज है, ये मेरे ख्याल से बेस कैटेगरी का कॉटेज है। और यहाँ पर ये थोड़े से लग्जरी टाइप के अभी इन मेकिंग है, ये आप देख सकते हैं सामान रखा हुआ है, अभी बन रहे हैं। तो यहाँ पर उधर किचन है, एक ये कॉटेज है, उसके बाद ये कॉटेज है। और आप यहाँ पर डेकोरेशन भी देख सकते हैं, वो ट्री हाउसेस हैं, ऐसा एक दो, उसके पीछे एक और है, उसके बाद में एक ये बन रहा है, आप देख सकते हैं एक ये बन रहा है। ये अभी यहाँ पर तीन ट्री हाउस हैं, उसके बाद में ये और कॉटेजेस हैं जिनको आपको विजिट कराते हैं। ये कॉटेजेस हैं, इनका आप देख सकते हैं, ये लकड़ी को बहुत ही बारीकी से ऐसे काट करके चिपका करके बनाया हुआ है। तो अभी ये सारे रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं लाइटिंग का, और ये सारा कुछ है यहाँ पर, ये बेड। अभी यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, और यहाँ पर भी लाइट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका वॉशरूम है, और सारा ठंडा गर्म पानी सारा कुछ अवेलेबल रहेगा यहाँ पर। लाइटिंग भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लाइटिंग की हुई है, इनको भी एक बार जलाते हैं। ये जो लाइटिंग है ये शानदार लाइटिंग, बहुत अच्छी लाइटिंग है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी सही कॉटेज बनाए गए हैं, ये इनका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी बहुत सही लाइटिंग की गई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अभी इसमें कुछ चीज़ें कंप्लीट होने को हैं तो वो भी हो जाएंगी। तो ये इस तरीके का ये कॉटेज था, बाकी अभी आपको ट्री हाउस भी विजिट कराएंगे। तो ये ट्री हाउस है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं उधर हमता पास का व्यू है, और यहाँ पर ये इस तरीके से है कॉटेजेस। और अभी हम लोग चलते हैं ट्री हाउस की ओर, ये ट्री हाउस है। तो अभी क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई की है तो हम लोगों को शूज उतारने पड़ेंगे, ठीक है। तो कंजे अभी जा सकते हैं। ट्री हाउस, कोई बेड नहीं, अंदर कुछ नहीं, सीधा ही बेड तो होगा नहीं, अच्छा मैट्रेस जगह ही नहीं है। तो यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है ट्री हाउस की तरह। ये देखिए बड़ा कॉजी सा,
ये तो प्रॉपर इग्लू बनाया हुआ। यहाँ पर स्नो में क्या नजारे होंगे जब ये ऊपर स्नो होगी तो यहाँ पर बहुत गजब के नजारे होंगे। और इसका ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम ये यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ा कॉजी सा वॉशरूम है। अब ये ट्री हाउस की तरह उतना ही छोटा है। और बाकी यहाँ से क्या व्यूज होंगे जब यहाँ पर बर्फ होगी मैं तो इमेजिन कर सकता हूँ यहाँ पर क्या व्यूज होंगे। और बाकी ये एक ट्री हाउस है, उसके बाद सेकंड जो ट्री हाउस है वो ये है। ये थोड़ा सा स्पेसियस लग रहा है, ये थोड़ा सा स्पेसियस है नहीं इसमें इंजीनियर्स ने काफी अच्छा दिमाग लगाया होगा। ये है ट्री हाउस, यहाँ इसमें बालकनी भी दी हुई है। ये थोड़ा सा लग्जरी टाइप में है। ये है यहाँ पे व्यूज भी आप देख सकते हैं, ये ट्री हाउस है, इसमें बालकनी भी दी हुई है। हाँ इसमें बालकनी भी है, एक प्रॉपर ट्री हाउस। और ये इसका वॉशरूम, और ये यहाँ से नज़ारे। ये इसका एक और छोटा सा बालकनी है।